हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गर्ल्स हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। तो आज मैं बताने वाली हूँ दिवाली पे गर्ल्स कैसे रेडी हूँ। अक्सर गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती है कि मैं दिवाली पे कैसे रेडी हूँ, तो मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। आप जैसे सिंपल ड्रेस, कैजुअल ड्रेस तो डेली पहनती होंगी, लेकिन दिवाली पे थोड़ा सा वर्क इस टाइप का कुछ चूज कीजिए। और मेकअप कैसा करना है, एकदम सिंपल सा मेकअप रखिए और जैसे कि मतलब नेचुरल ग्लो वाला मेकअप आए। तो गर्ल्स के लिए आज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैंने निकाला है ये वाला सूट, ये पहनने वाली हूँ। आप भी इस तरीके का कोई वर्क वाला सूट हो या फिर गाउन ड्रेस हो, लहंगा हो, इस तरीके का दिवाली पे पहन सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो इस ड्रेस के साथ मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद से मेकअप करते हैं, ओके। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी बेल आइकन पर प्रेस करते ही। और लाइक तो जरूर कीजिएगा। और आज मैं थोड़ा सा आपको एक एडवाइस भी दे दूंगी कि अगर आपको खुद से सेल्फ यू कट करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसी वीडियो में आपको वो मिलेगा। तो पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ और आप लोगों को मेकअप बता भी देती हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो चलिए ये वाला ड्रेस पहन के आती हूँ, ओके। तो मैंने मंगाया था ये जेल आईलाइनर मीशो से, तो ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको आईब्रो फिल करने के लिए रख लिया है। आईब्रो फिल करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो मैं इसी से अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। इस तरीके का है ये अंदर से। तो साथ में मैं एक मिरर ले लूँगी। मिरर मेरा आई शेडो पैलेट में का ही है, ये टूट गया है तो मैं इसको अलग से मिरर की जगह पर यूज कर लेती हूँ। तो आप जेल आईलाइनर से अगर आईब्रो फिल करते हो तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो सबसे पहले आप अपनी आईब्रो का नीचे से जो भी शेप देना है वो आप बना लो, ओके। मैंने आईब्रो भी सेट नहीं करवाया हुआ अभी, तभी खराब करने की वजह से मैं पार्लर नहीं जा पाई। और आप गर्ल्स हो तो अपना आईब्रो जब आप शेप कराते हो तो ध्यान दीजिए कि जितना चौड़ा आईब्रो हो जाए उतना अच्छा लुक आता है। इसको अच्छे से फील कर दो। जेल आईलाइनर में ये ब्रश दिया होता है, इससे आपको आईब्रो फील करने में बहुत ही आसानी होती है और नेचुरल सा लुक आ जाता है आपके आईब्रोज का। अच्छे से मैंने यहाँ पे अपना आईब्रो फील कर लिया है। इस तरीके से आईब्रो फील कर लेना, दूसरा वाला भी सेम इसी तरीके से आपको फील करना है आईब्रो। मेकअप से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, टोनर अप्लाई कीजिए जो कि मैंने कर लिया है, उसके बाद से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, उसके बाद से आपको प्राइमर अप्लाई करना है। तो उतना तो आपका डेली मेकअप में आता ही है, जैसे डेली आप उतना करते ही हो मॉइस्चराइजर, टोनिंग एंड क्लींजिंग। क्लींजिंग का मतलब जैसे आप फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए, फिर टोनर जो भी आपने अप्लाई किया वो अप्लाई कर लो। अगर टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल से भी स्प्रे कर सकते हो पूरे फेस पे या फिर कॉटन बॉल से लगा सकते हो। उसके बाद से आपको कोई भी मसाज क्रीम लेके मॉइस्चराइज कर लेना फेस को। उसके बाद से नेक्स्ट आपको प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर मैंने यहाँ पे हुड्डा ब्यूटी का लिया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो ओपन पोर्स होते हैं जो वो अच्छे से ढक जाते हैं और आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। तो प्राइमर मेन पार्ट है मेकअप में, तो इसको अप्लाई करना है। प्राइमर लगाने के बाद से एक सेकेंड के लिए रुकना है। उसके बाद से आपको अपनी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग, जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैम मीडियम शेड के लिए मेकअप बताओ, डार्क शेड के लिए बताओ, डस्की स्किन के लिए बताओ, गोरी स्किन के लिए बताओ, तो गाइज मेकअप सबका करने का तरीका सेम होता है, बस आपको कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर सब कुछ अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना होता है। जैसे ये मेरे शेड का है, देख सकते हो आप। जैसे आपका जो स्किन शेड है उससे एक शेड लाइट, जैसे कि मेरा स्किन ये है और इस कलर का मैंने लिया है, इससे ज़्यादा लाइट आप नहीं ले सकते। जो आपका स्किन शेड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप करना होता है, तो आप और स्किन पे कर सकते हो। तो मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ये वाला लिया हुआ है, तो मैं अपने आईज पे पहले अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पहले कंसीलर इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपका आई मेकअप अच्छे से हो जाए। इसलिए मेकअप ब्लेंड करने के लिए जो आपका स्पॉन्ज होता है वो अच्छे से पानी में भिगो लीजिए, उसके वजह से सारा पानी निचोड़ दीजिए। उसके बाद आप ब्लेंड करोगे तो इजीली आपका ब्लेंड होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और एकदम फिनिशिंग अच्छी आएगी, ओके।
और मेकअप जैसे कंसीलर अप्लाई करते हो तो उसको ऐसे रब नहीं करना है, बस टैप टैप करो आपका इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो ये मेरा ब्लेंड हो गया यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपको इसको ब्लेंड कर लेना। मैं जब भी मेकअप करती हूँ सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप ही करती हूँ, क्योंकि आपका जो भी आई मेकअप का प्रोडक्ट जो फेस पे गिरेगा उसके बाद आप फेस मेकअप करोगे तो आपका मेकअप अच्छे से हो जाएगा और आपकी स्किन पे कुछ भी जैसे दिखेगा नहीं कि आई मेकअप का प्रोडक्ट फेस पे गिर गया है। आई मेकअप पहले कर लोगे फेस पे गिरेगा भी तो उसको आप इजीली रिमूव कर लोगे, और पूरा मेकअप करके फिर आई मेकअप करोगे तो जो फेस पे गिरेगा वो आपका मेकअप खराब कर सकता है। तो इसलिए पहले आप आई मेकअप कर लो, फिर मैं अपना लैक्मे 925 के कॉम्पैक्ट से अपनी ये कंसीलर को सेट कर ले रही हूँ। ओके, फिर हम लोग अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए ये वाला आई शेडो पैलेट है, ये आप मेरे को लैक्मे 925 का ही आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके की डार्क ड्रेस पहन रहे हो तो कोई भी डार्क कलर का शेड लेके जैसे ब्लैक ले लो या फिर डार्क ग्रीन जो कि आपने ड्रेस पहना हुआ है इस तरीके से उठाना है, और अपना साइड वाले जैसे जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है तो मैंने ये लिया था गिस ब्यूटी का जो आई शेडो मतलब ग्लिटर है, ये इस तरीके का ग्लिटर है, इसको इस तरीके से आपको अप्लाई करना है आईज पे, ज़्यादा ज़्यादा सा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लेना है। बहुत ही अच्छा है ये, आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये वैसे किस ब्यूटी का है लेकिन बहुत अच्छा है ये वाला ग्लिटर, किस ब्यूटी का। किस ब्यूटी का तो सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, बस ये किस ब्यूटी का है, इसका ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मैंने एक पिंक कलर का भी शेड लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप गोल्डन ही आईज मेकअप कर सकते हो गर्ल्स हो तो, वुमेन्स पे भी अच्छा लगेगा ये। उसके बाद से जो आपने ड्रेस पहनी हुई है उस कलर का शेड लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा आई लीड पे अप्लाई कर सकते हो जिस कलर का आपने ड्रेस पहना हुआ है। अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो। काजल के लिए मैं ये जेल आईलाइनर ही अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज पे, लो वाटर लाइन पे। ओके, जैसे हमारा काजल फैले ना उसके लिए मैंने आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है, और जस्ट काजल के नीचे इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। इससे आपका काजल फैलेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब लंबे टाइम तक टिका रहेगा। आईज के इनर कॉर्नर पे आपको गोल्डन कलर का आई शेडो लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है दोनों आईज पे। उसके बाद आपको सिंपली लाइनर और मस्कारा अप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का लाइनर लिया है।
इस तरीके से लगाना है। इनर कॉर्नर से थोड़ा नीचे तक नोक भी बना रही हूँ। इस तरीके से आपको लाइनर अप्लाई कर देना है। उसके बाद से मैंने अपने आईब्रोज के नीचे ये वाला हाइलाइटर यूज किया है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग शेड ले लीजिएगा, इसमें सब स्किन शेड का मिल जाता है। तो ये मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अभी मैं फेस का मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो फेस के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ज़रा सा फाउंडेशन लेना है, पूरे फेस पे टैप टैप करके लगा लेना है। अब अपने फेस पे जितना प्रोडक्ट यूज करते हैं उतना आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना है। मैं डन इसको ब्लेंड कर देना है। वैसे हाइलाइटर लेंगे और देन ब्लश से ऊपर ही अप्लाई कर देंगे। हाइलाइटर आपके मेकअप को बहुत ही जैसे चार चांद लगा देता है, तो हाइलाइटर बिल्कुल भी स्किप ना करें। नोज पे अप्लाई कर लीजिए, अपर लिप्स पे, थोड़ी पे, देन फोरहेड पे। अभी आपका मेकअप ऑलमोस्ट डन है गर्ल्स के लिए। कॉन्ट्रोल वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, कॉन्ट्रोल के लिए अलग से वीडियो है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अब बस मैं अपना लिपस्टिक लगा लूँगी। लिपस्टिक में ज़्यादा डार्क कलर का नहीं लगाऊंगी यहाँ पे। पहले लिप आउटलाइनर से लिप्स को आउटलाइन करेंगे। तो इसी शेड का लिपस्टिक भी है मेरा, तो मैं उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है गर्ल्स के लिए दिवाली मेकअप लुक। पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने किस ब्यूटी का फिक्सर लिया। कभी भी फिक्सर पास से अप्लाई नहीं करते, थोड़ा दूर से आप। इसको सूखने दीजिए। मेकअप फिक्सर अप्लाई करने से आपका मेकअप अच्छे से फिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा शाइन आने लगता है, तो मेकअप फिक्सर जरूर अप्लाई कीजिए। और ये मैंने इयररिंग्स डाले हैं। अब इसके बाद से आपको हेयर स्टाइल बना लेनी है। सिंपल सा कोई हेयर स्टाइल बनाइएगा। और आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से रहते हैं, सेट नहीं होता, तो उसके लिए मैंने ये सेटिंग स्प्रे मंगाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से आपका हेयर सेट हो जाएगा। तो इससे आपको जो भी हेयर स्टाइल मैंने बना के इसको थोड़ा सा मार दो और आपका बाल वैसे का वैसे सेट रहेगा। हेयर स्टाइल के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो चलिए मैं अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को यू शेप हेयर कट बता दूँ, उसके बाद से मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप खुद से अपना यू हेयर कट करना चाहते हो तो बीच की मिडल पार्टिंग निकाल लोगे, बीच की मांग निकाल लोगे इस तरीके से। ओके, बीच की मांग निकालने के बाद से आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा बालों को गीला भी कर सकते हो, जैसे आपने बीच की मांग निकाल ली। उसके बाद से आपको पूरा स्ट्रेट कॉम करना है बालों को। देखिए मैं कैसे कॉम कर रही हूँ, एकदम ऐसे स्ट्रेट कॉम करना है और इस तरीके से पकड़ना है। और आपको यहाँ से सीजर चलानी है, तो इससे आपका जब आप इसको बैक में लेके जाओगे तो आपके बाल बिल्कुल यू शेप पे दिखेंगे, क्योंकि ये वाले हेयर आपके लॉन्ग हो जाएंगे और ये शॉर्ट हो जाएंगे। और आपको डीप यू में कट करना है, तो आपको पूरे हेयर को इस तरीके से लेना है, देन आपको इस तरीके से तिरछा कर देना। आप ऐसे कट करोगे तो आपका बैक से बिल्कुल डीप यू दिखेगा। देखिए मेरी फिंगर कैसी है, इस तरीके से तिरछा रखना है और आपको ऐसे कट कर देना है। अब आप इसको बैक साइड में छोड़ोगे तो आपका ये बाल बिल्कुल डीप यू में कट होंगे। और हल्का यू कट करना है तो आप इसको स्ट्रेट कट कर दो तो लाइट यू कट होगा। और ज़्यादा डीप करना है तो आप इस तरीके से फिंगर को पकड़ो और यहाँ से कट करो, तो आपके हेयर डीप यू में कट होंगे। इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी करना है आपको। सेल्फ यू एंड डीप यू हेयर कट कैसे करें, तो इधर का भी हेयर आपको सेम करना है। ऐसे तिरछा ले जाना है, ऐसे फिंगर को रखना है।
इस तरीके से, और ऐसे कट करना है, ओके, ऐसे कट करना है सीजर को, ऐसे ऐसे लेके जाना है, ऐसे चलाना है, और हाँ लाइट यू करना है तो स्ट्रेट कट कर दो, और ज़्यादा डीप करना है तो आप ऐसे हेयर पकड़ो, यहाँ से सीजर चलाते चलाते ऐसे तिरछा लेके छोड़ दो, तो बैक साइड में जाके ये पूरा डीप यू हो कट हो जाएगा। तो चलिए फाइनल लुक देख लीजिए, उसके बाद से फिर मिलते हैं। तो आई होप आप लोग को डीप यू कट करने में हेल्प मिलेगी ये वीडियो देख के, और आगे मैं हेयर कट की वीडियोज लेकर आते रहूँगी। चलिए, तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा ड्रेस था मेरा, और ये मैंने इस तरीके का पिक क्लिक किया है। हेयर स्टाइल की वीडियोज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इसमें हेयर स्टाइल की भी वीडियो डाल देती तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने हेयर स्टाइल का अलग से है, तो एक दो दिन में वो भी मतलब कल या परसों अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये है मेरा फाइनल लुक, दिवाली पर आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो। मैंने फॉल्स आईलेसेस वगैरह नहीं लगाए हैं, क्योंकि सबको फॉल्स आईलेसेस वगैरह दिवाली पे नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो अपना लुक। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो मैंने ये वाला दुपट्टा भी लिया है इसके साथ में, मतलब तो ये सूट के साथ ही दिया हुआ है, तो दुपट्टा आप चाहो तो ऐसे लगा के छोड़ सकते हो, ऐसे, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ, तो ये है मेरा फुल लुक, इस तरीके का सूट पहना है मैंने, और ये मेरा फाइनल लुक है।